Return, yeah, thank you. Okay. Thank you. Thank you, thank you. देख लो अगर हो सके तो अंदर चलते हैं। सलीम भाई, सलीम सर, एक फोटो। हाँ, यहाँ देखिए। यहाँ पे, यहाँ पे। सलीम भाई, बाय। सलीम सर, यहाँ पे। सलीम भाई, बाय। पहली बात तो मैं एक्चुअली ये पहली बार कॉमेडी के साथ मैं अटैच हो रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये जो इनिशिएटिव है बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है, कॉमिक्स फॉर चेंज और विमेन एम्पावरमेंट, सपोर्टिंग विमेन एंड मेकिंग देम इक्वल टू मैन इज समथिंग आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। औरतों को किस तरह से इक्वल रखना, हमारे साथ में साथ रखना और उनको उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही देना, उतना ही प्लेस देना जितना कि मेन को मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। और मेरे हिसाब से ये जो चेंज है ये हमें अपने अंदर ले आना है। ऑफ़ कोर्स ये प्रोग्राम्स और ये जो यूनाइटेड नेशंस करता है और बहुत सारी सोसाइटीज़ करती है तो करती ही है, लेकिन हर आदमी को खासकर ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि औरतों की अहमियत जो है वो इस देश में कितनी और इस दुनिया में कितनी ज़रूरी है और उनको सपोर्ट करना और उनको अपने साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त। आइडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मतलब अवेयरनेस थ्रू अ कॉमेडी हमें देखने मिलेगा, तो ये आइडिया आपको किस तरह का लग रहा है? मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो म्यूज़िक है, कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, हर टाइप का जो है ये एक ज़रिया बन जाता है मैसेज देने का। आज ज़रिया है कॉमेडी, कभी कभार ज़रिया होता है म्यूज़िक, कभी कभार ज़रिया होता है टॉक्स। तो जिस तरह से हम मोटिवेशनल टॉक देते हैं, जिस तरह से हम कॉन्सर्ट्स करते हैं, आज ज़रिया ये है कि हम कॉमेडी के थ्रू किस तरह से एक चेंज ले आए हमारी सोसाइटी में और किस तरह से हम विमेन को सपोर्ट करें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस चेंज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हमारे देश की आबादी में से 65-70% यूथ है और मैं समझता हूँ कि अगर यूथ ये चेंज अपने आप को, अगर यूथ ये चेंज अपना अपनाती है और इसको बढ़ावा देती है और इसको इस पर यू नो इसको सपोर्ट करती है और इसको इसकी वैल्यूज़ जो है उसको उसके ऊपर चलती है, तो इस देश में चेंज ले आना बहुत ज़रूरी हो, बहुत ही जल्दी हो सकता है ये चेंज। सो आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हम यूथ को टारगेट करें क्योंकि दैट्स द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री। जी मैंने छपाक का ट्रेलर देखा नहीं है आज तक, पर मैंने जब दंगल देखी थी तो मुझे बहुत फील हुआ था और मुझे ऐसा हुआ था कि जो आमिर खान कर रहे हैं हर फिल्म में एंटरटेनमेंट के ज़रिए से एक मैसेज देते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है और उस वो देश में कहीं ना कहीं एक चेंज ले आता है, एटलीस्ट माइंड सेट चेंज का होता ही है।
ऑफकोर्स वो फिल्म स्पोर्ट्स और वेमेन एम्पावरमेंट पर थी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही यू नो एंटरटेनमेंट अगर देखने जाए तो फिल्म एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में ऐसी बने जहाँ पर एक मैसेज हो, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश हो। सर यहाँ आइए, खोजा सर, आइए सर यहाँ आइए, मैम यहाँ आइए ना। घर से प्रैक्टिस कर गया था अभी यहाँ पे Yes, ma'am, बोलो। सबसे पहले कॉमिक्स को चेंज क्या कहना चाहेंगे, कॉमिक वे में चेंज लाना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि सबको समझ में भी आ जाए। आज आप देखिए कितनी सारी फिल्म्स सोशल इश्यूज को लेके कॉमेडीज बनाते हैं और फिर मखमल में लपेट के वी ड्राइव होम द पॉइंट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टेक्निक। आप देखो लगे रहो मुन्ना भाई में, गांधी जी कॉमेडी, और पता भी नहीं चला कि इतना इतनी सारी बातें हो गई उसके अंदर। मुन्ना भाई में भी ऑल्सो मैनी मैनी फिल्म कॉमेडी इज बीइंग यूज्ड टू वेस्ट में, अमेरिका में अब ज़्यादातर लोग कॉमेडी शोज देखते हैं टू गेट द न्यूज़ को प्राप्त करने के लिए, दे लुक दे वॉच द कॉमेडियंस बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूज़ एंड दे आर ऑफकोर्स पैरडी करते हैं, सटायर करते हैं, लेकिन हकीकत अनबायस्ड। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना कितना जरूरी है जब आज के समय में आपको पता है क्या-क्या हो रहा है करंट सिचुएशन में, तो सर ये मॉरल आज के You're so right. आज के ज़माने में क्या, आई थिंक इट शुड हैव बीन डन मैनी मैनी ईयर्स अगो। इफ इट वॉज नॉट डन मैनी ईयर्स अगो, आज का ज़माना नहीं आता था। इट्स नॉट कि जब आग लगी कुआ खोदो, ऐसे नहीं। मॉरल एजुकेशन शुड हैव बीन डन, देयर इज, बट आई थिंक इट शुड बी डन ऑन अ ग्रेटर स्केल। एंड टुडे वी हैव मिस्टर सत्यार्थी ओवर हियर, हु इज लाइक आवर चैम्पियन, एंड आवर कॉमिक्स जो है दे आर नॉट जस्ट फनी, दे हैव अ वॉइस, और एक एक एक, एक, एक अगर वॉइस होता है लोग सुनते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना मखमल में लपेट के ऐसे पंच मारना चाहिए और टू गेट द ड्राइव द पॉइंट होम, इफ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो दीज आर सम वंडरफुल वॉइसेस, और मैं बहुत खुश हूँ हमारे जॉनी साहब भी आ रहे हैं, आपको मालूम है ही इज़ कम, ही इज़ ऑन हिज वे। हाँ, बस हु स्पीक्स मोर फ्रॉम द हार्ट एंड हु मेक्स यू लाफ द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, जॉनी भाई। सो आई कैन सी योर बैड लाइफ, आई फॉर नो पॉवर्टी।
राइट कम हो सकती है कम हो सकती है और वी कैन मैनेज द वेल्थ इन अ बेटर वे एंड ऑल्सो टीच पीपल टू मेक मनी फॉर देमसेल्व्स एक कहावत है यू कैन टीच गिव अ मैन फिश बट इफ यू टीच हिम हाउ टू बी अ फिशरमैन ही कैन बी नेवर गो हंग्री ऑल इज लाइफ तो नॉट ओनली आर वी सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इन अ नाइस वे मेक श्योर दैट द पुअर पीपल आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व बट टू एजुकेट पीपल कि खुद अपना अपने खुद के पैरों पे खड़े बिकॉज इज नथिंग लाइक बींग प्राउड ऑफ योर वर्क नो पैसे देने में आसान होता है लेकिन टू एजुकेट पीपल इज अ मच मच ग्रेटर चैलेंज सर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि फिल्म एक बहुत अच्छा मीडियम है टू गिव द मैसेजेस तो आज जो है छपाक का ट्रेलर लॉन्च हुआ है आपने अगर देखा हो आई डिडंट वॉच सर तो एसिड अटैक के ऊपर है कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के टॉपिक को मतलब सिनेमा में सर अवेयरनेस अवेयरनेस इज एवरीथिंग मैंने कह रहा हूँ कि आज ये शो करके सब कुछ चेंज हो जाएगा बट एटलीस्ट कम से कम एक अवेयरनेस का जो पाया लग गया ना वी हैव टू स्टार्ट अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप कि हम कॉलेज के बच्चे लाइन लगाए डेढ़ माइल का लाइन है आ रहे देखने के लिए आ रहे एक्चुअली कॉमिक्स को सुनने के लिए और बातों बातों में उन लोग को अवेयरनेस हो जाएगी अवेयरनेस इज एवरीथिंग वंस यू अवेयर जब रात को तकिए पे आप अपना सर रखेंगे तो सोचेंगे मज़ा तो आया हंसे बहुत लेकिन यार उनकी बात में कुछ दम थी अवेयरनेस वंस दे हैव अवेयरनेस देन वी हैव मोर एंड मोर चैम्पियंस लाइक कैलाश सत्यार्थी कैन गो फॉरवर्ड एंड बिकम सुपर हीरोज बताओ मैं सच सच बताऊँ Are you ready? Sir, cameras ready? Yes, sir. Munna bhai MBBS ka third bolu main? Ye breaking news hai. Mujhe bhi pata nahi. Bol diya na mujhe khud ko pata nahi hai. Really I don't know. I really don't know. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you guys. Thank you darling. Thank you so much. Yeah. मेरे लिए एक ग्लैड फीलिंग आ गया क्योंकि मुझे पार्किंग भी मिला है यहाँ पे पहले बार जो हूँ मैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में तो आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड सीरियस बातें के लिए ये वैज्ञानिक है साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट सर जी ने 10 साल रिसर्च किया इसके बारे में और कुछ भी क्वेश्चन है आपके तो मैं बता सकता हूं ये कॉमिक्स फॉर चेंज जो है तो ये कॉमिक है और मैं चेंज हूँ ऐसा है हम छुट्टा है अभी नहीं एक्चुअली कॉमिक्स फॉर चेंज मतलब जितना पगार हम मिलते हैं वो चेंज ही है चिल्ला एग्जैक्ट मतलब वही है लेकिन ये इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर कम्युनिकेटिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू कॉमेडी लाइक नाउअडेज काफी मूवीज और काफी हर एंटरटेनमेंट जरिए से काफी अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है अक्षय कुमार बहुत पैसा लेता है लेकिन उसके लिए नाउ छपाक और दीपिका पादुकोण यस एसिड अटैक में है क्या कहना चाहेंगे इसके थ्रू कितना अवेयरनेस बच्चों में स्प्रेड हो पाता है बेसिकली आई थिंक ये जो प्रोग्राम है वो एक कॉमिक्स क्यों यूज़ करते हैं इसमें क्योंकि ये जो मैसेज है होपफुली शॉर्ट स्वीट फनी साइड से अगर हम प्रेजेंट कर सकते हैं या पेश कर सकते हैं तो लोगों आई थिंक डाइजेस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट अगर हो पाएगा उसके बाद आई थिंक दैट विल हैपन बिकॉज द मैसेज विल बी फनी एंड लेस और अगर उनके भाषा में कर सकते हैं उनका जो स्टाइल है आजकल का इंटरनेट का डिजिटल का उस स्टाइल में अगर हो सकता है तो फिर कम्युनिकेशन भी ज़्यादा अच्छा होगा अभी सर के बाल के बारे में कुछ बताओ हाउ डू यू लाइक इट सही है ना स्ट्रेटन करके आया बाल बाल बच गया ओके लास्टली मतलब आज ह्यूमन राइट्स डे है
भी इंडिया में मतलब होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे वो रेड लाइट चाहिए जो वीआईपी लोग को मिलते हैं ना, बिकॉज प्रधानमंत्री ने कहा कि वो रेड लाइट अभी मना है और बैन किया था, एटलीस्ट दिल्ली में मैंने सुना, मुंबई में नहीं, मुंबई में तो है. तो आई वांट वन वो रेड लाइट मेरी गाड़ी के लिए. ये मेरा ह्यूमन राइट है, बट देयर आर मोर सीरियस ह्यूमन राइट्स. मेरा वैज्ञानिक फ्रेंड मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आई थिंक वी आर क्वाइट अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी. आई थिंक पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ वॉट इज करेक्ट, वॉट इज नॉट करेक्ट, एंड आई थिंक वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर फॉरवर्ड. थैंक यू. ये फर्स्ट टाइम है जो मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली हूँ, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग. आई थिंक आई एम समवन बिकॉज आई हैव माय ओन फाउंडेशन, उर्वशी राउटेला फाउंडेशन, विच वर्क्स एक्टिवली इन माय होम टाउन कॉल्ड उत्तराखंड. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस, व्हेन आई सो आई लाइक यू नो लिटरली वांटेड टू डू समथिंग समथिंग ऑफ यूज. आज जो है यू नो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यूनाइटेड नेशंस वुमेन एंड ऑल्सो कैलाश सत्यमूर्ति सर हु इज सेलिब्रेटिंग हिज 5-year एनिवर्सरी ऑफ विनिंग नोबल पीस प्राइज एंड ऑल्सो इट्स अ वर्ल्ड्स ह्यूमन राइट्स डे टुडे. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई एम गोना बी डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी. फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ मैं. So yeah, it's a great thing, and also there are a lot of I'm really glad to meet Kailash Satyamurthy, who is India's icon, and also there's this CEO of Emirates there. So yeah, I think it's gonna be a great evening. Urvashi, as an actor, how do you feel like you look at stand up comedy doing, like it could help you so much? देखो अभी तक कॉमेडी सिर्फ मूवीज़ में की, पागलपंती में की जो आपने अभी देखी, और मेरी प्रीवियस मैंने पहले की फिल्म्स में की थी, बट अभी स्टैंड अप कॉमेडी फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ. एंड आई रियली होप दैट यू नो द ऑडियंस स्पेशली द कॉलेज स्टूडेंट्स दे लव माय स्टैंड अप कॉमेडी. फेवरेट कॉमेडियन आई थिंक कपिल शर्मा इज माई फेवरेट. कपिल शर्मा मेरे नहीं सबके फेवरेट हैं. या I have a reason for it because वो काफ़ी फैमिली बेस्ड कॉमेडी करते हैं विदाउट किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए, या फिर कभी मतलब ऐसा कुछ कॉमेडी नहीं करते हैं जो कुछ ऑफ सेंटर हो या फिर फैमिलीज को पसंद आए. सो दैट्स अ रीज़न आई रियली अप्रिशिएट कपिल शर्माज कॉमेडी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी की अगर धज्जियाँ उड़ाकर कॉमेडी कर रहे हैं तो वो कोई भी कर सकता है, बट अगर किसी
audiences ko entertain karna, and that too without, you know, respecting everybody's, you know, giving everyone's respect, that's a great thing, yeah. How much preparation you've done, anything, what would be the theme of what are you doing, like comic, maybe stage ki through se, yes, of course, jo main aaj stand up comedy karne ja rahi hu wo pura hi, it's a satire and it's based on good health and yoga and fitness. Yeah, for good health and for well-being. So that's what my comedy and the stand-up comedy act is all about. So you'll get to see. Aap abhi andar aayenge, aap dekhenge, to aapko tab pata lagega. So it's all about, yeah, just, you know, raising the awareness about good health and fitness. Yeah. Okay, even industry bhi kaafi koshish karti hai ki awareness spread karna, like through Dangal movie, and now Chhappak jo Deepika Padukon kar rahi hai acid attack ke upar. So how does you look after all that stuff, and if you got any opportunity to do anyone's, so what would you? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. अभी ही मैं जस्ट उनका पोस्टर देखा था, दीपिका पडुकोण ने जो है. आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग, द पोस्टर इज़ माइंड ब्लोइंग. एंड आई थिंक इस तरह की स्टोरीज और ज़्यादा बननी चाहिए हमारे देश में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. और ये जो कहानी है, बिकॉज आई नो द बिहाइंड स्टोरी, आई एम श्योर दैट एवरीवन नोज द बिहाइंड स्टोरी, बट काफ़ी एम्पावरिंग है कि किस तरीके से एक लड़की जिसका फेस जल जाता है, फिर भी वो यू नो सभी लोगों से लड़ती है, और द काइंड ऑफ लव शी डिजर्व्स, द काइंड ऑफ यू नो रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स, एंड शी गेट एवरीथिंग. आई मीन चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, बट यू कैन नॉट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द एंटायर स्टोरी छपाक इज ऑल अबाउट. एंड हैट्स ऑफ टू दीपिका पडुकोणे फॉर चूजिंग दीज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. एंड आई थिंक फॉर ऑल द फीमेल्स एक्टर्स स्पेशली इन बॉलीवुड, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिकअप दोज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. अभी जब बन रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अस. या जी हाँ. सी माई आई इससे पहले भी मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर सकती थी, बट द रीज़न आई एम डूइंग इट इज बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस. एज आई टोल्ड यू दैट यू नो यूनाइटेड नेशंस वुमेन इज एसोसिएटेड विद इट, एंड वी आर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ गोल. सो या देर इज अ रीज़न एंड देर इज अ पर्पज, दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग इट. सो या दैट्स द थिंग. एंड या इट्स अ ग्रेट थिंग. आई होप यू एंजॉय माई स्टैंड अप कॉमेडी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. Thank you.